नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हड़िया टाउन एरिया के पूर्व चेयरमैन अहमद अंसारी साहब हैं। अहमद अंसारी जी 2002 में हड़िया से सटी हुई प्रतापपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं और बहुत कम मार्जिन से उनको असफलता मिली थी, लेकिन अब दोबारा वे 2022 के चुनाव की तैयारी प्रतापपुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से कर रहे हैं। आइए हम अहमद अंसारी जी से ढेर सारी बात करते हैं। अहमद साहब, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे जी कि आप प्रतापपुर के रहने वाले हैं, प्रतापपुर के भी आप हड़िया के रहने वाले हैं जी, हड़िया के जो वर्तमान विधायक हैं बसपा के वो भी बागी हो गए हैं, प्रतापपुर के जो है वर्तमान विधायक जो है वो भी बागी हो गए हैं, तो फिर अहमद अंसारी साहब प्रतापपुर से कहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं? हड़िया भी चुनाव लड़ सकते हैं, आप यहाँ से चेयरमैन भी रहे। प्रतापपुर से पहले मैं चुनाव लड़ चुका हूँ जी जी एक बार, और मेरा संपर्क है वहाँ पे। वहाँ पे जैसे हमारे कुछ बीड़े के कारखाने वगैरह वहाँ पे, और वहाँ पे हमारे एक कारखाने में 150-200 ठेकेदार हैं जिनके पास 200-300 घर रहते हैं जिनसे वर्क करते हैं, ये पकड़ है मेरी, प्लस कोल्ड स्टोरेज वगैरह मेरा वहाँ पे है, उसकी वजह से हमारी बैकवर्ड। मतलब आपका जो कारोबार है वो प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, वो पहले आप लड़ चुके हैं उसका आपको अनुभव भी है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, प्रतापपुर की राजनीति किस तरीके की आज आपको दिखाई दे रही है, किस तरीके से डिफरेंट दिखाई दे रही है प्रयागराज की और जगह? वहाँ मुझे देखने को मिल रहा है कि जो कार्य कर रहे हैं ये सरकार, मौजूदा सरकार जो कार्य कर रही है उसके लिहाज से इनके कार्य से लोग संतुष्ट नहीं हैं, खास करके बैकवर्ड क्लास में ये देखा जा रहा है और अपर क्लास वो ब्राह्मण समाज में, कि वो लोग इनसे संतुष्ट नहीं हैं और ये कहते हैं कि इनको हम सीख देंगे इलेक्शन के करीब आने पर। लेकिन मैंने एक बार पूछा उन लोगों से कि फिर आप सीख देंगे तो आप किसके साथ जाएंगे, ऐसे पूछा मैंने सवाल, तो उन लोगों ने ये कहा कि ड्यू टू यादव जब इनकी सरकार आती है तो बहुत परेशान करते हैं। नहीं, एक चीज़ जैसा कि आपने कहा ड्यू टू यादव, जैसे नाम तो राजनीति में लोग किसी कास्ट का नहीं लेते हैं, अभी कुछ दिन पहले सपा और बसपा का गठबंधन भी था तब तो पता लगा कि तब बसपा को सपा के गठबंधन से नहीं कोई एलर्जी थी, आज जो है इस तरीके की बातें जो है लोग कह रहे हैं। बहन जी ने आजमाइश किया था, आजमाइश में वो सफल नहीं रहे, वो दूरी बनाए, इसलिए बहन जी ने उनसे अलगाव कर लिया। यही वो कारण है जो हर आदमी ये कहता है कि क्या कहते हैं इनके कार्यों से असंतुष्ट हैं लोग। समझिए, इस पर तो मेरे सवाल हैं अभी बीच में। आप ये बताइए कि पिछला चुनाव जब आप 2002 में लड़े थे उस समय से आज के समय में क्या बदलाव आया? किस मामले में? हर चीज़ के मामले में, राजनीतिक बदलाव। राजनीतिक बदलाव मैं ये देख रहा हूँ कि उधर जो है मंदिर मस्जिद का मसला जैसे करके बीजेपी वाले जो इतना एक बनाए थे मामले, जो उनका मामला हुआ करता है मौके पे इलेक्शन पीरियड में, उसका असर हम देख रहे हैं कि लोग ऊब रहे हैं, जैसे धीरे धीरे उनसे ऊब की ओर जा रहे हैं, क्योंकि बिजनेस बहुत डिस्टर्ब हो गया है, खाने पीने की परेशानी हो गई है, जो औरतों के पास घरों में पैसे रखे थे ज़ईफ़ों के पास वो पैसे सब निकल गए, फिर महामारी भी आ गई, सरकार सही तरीके क्रियाकलाप नहीं कर पाई, खाने की परेशानी, लोग असंतुष्ट हैं बिल्कुल। अच्छा सर, आप लगातार बहुत दिनों तक नगर पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं हड़िया में, नगर पंचायत अध्यक्ष रहते हुए आपने कौन से ऐतिहासिक काम किया, यादगार काम किए हों? यादगार का होता है जब मैं यहाँ चेयरमैन हुआ तो यहाँ सड़कें नहीं थी, सिर्फ ये GT रोड थी जिसको हाईवे आज कहा जाता है, बाकी सड़कें थी ही नहीं। आज स्थिति है जिस दिन मैंने छोड़ा है पूरे वार्ड में आप चले जाइए हर जगह आपको सड़क मिलेगी, हर जगह विकास के कार्य दिखेंगे। जब से मैं हटा हूँ 4 साल से सरकार की तरफ से योजनाएं सब आ रही हैं, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है ये पता नहीं चल रहा है। उसके भी जांच हुई थी, जांच में लोग सस्पेंड हो गए थे चेयरमैन वगैरह, फिर लोग हाई कोर्ट से लेकर के आए, पैसे हमारे पीरियड से ज्यादा योजनाओं का पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा कहाँ गया है कुछ पता नहीं चल रहा है। लग रहा है कि भ्रष्टाचार हावी है, भ्रष्टाचार टोटल हावी। जाँच हुई थी, SDO असंतुष्ट है, तमाम लोग सब असंतुष्ट है, 4-6 हजार बीघे जमीने पानी से भरी हुई, जब रहते थे खेती होती थी, आज नहीं पर। अहमद साहब एक चीज बताइए, हम प्रतापपुर की बात करते हैं क्योंकि आप प्रतापपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से, आज आप प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या समस्या देखते हैं? देखिए, अगर बहन जी का आशीर्वाद मुझे मिलता है चुनाव लड़ने के लिए तो वहाँ की समस्याएं सबसे बड़ी, मैं वहाँ गया देखा मैंने, वहाँ जैसे सड़कें बिल्कुल बर्बाद हैं, कोई विकास कार्य नहीं है,
आज करीब 15-20 साल 25 साल से क्या वहाँ हो रहा है हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। अभी कल ही मैं गया था मेहताब साहब के उनके घर पर जाना था, सड़क नहीं थी, आप जान लीजिए कंडीशन थी। कल मैं गया सराय मामले में क्रिकेट का उद्घाटन करना था, वहाँ लोग मुझसे कहने लगे कि इसके पहले उपाध्याय जी थे और जो खुलाल वगैरह थे वो लोग थे, लेकिन कोई वर्क नहीं किया। पिछले जो मौजूदा विधायक थे, पिछले नहीं अभी वर्तमान में आपके पार्टी के विधायक थे, आज वो भी आप पार्टी में नहीं है, उन्होंने कोई वर्क नहीं किया और वहाँ की पब्लिक नाराज थी। उनका कहना बारिश जगह ही तक सड़क हमने बनवाई। नहीं नहीं झूठ बोलना, बिल्कुल सड़क नहीं, वो जो सड़कें बनी हैं वो उस PWD के अंतर्गत योजना के तहत वो बनी हैं, उसमें उनका कोई योगदान नहीं। तो कोई विधायक या प्रतिनिधि अपनी जेब से थोड़ी पैसा खर्च, वो लोग सिर्फ एक ही काम किए, ये लोग चाहे हंडिया विधायक हो चाहे वहाँ विधायक हो, अपना जेबा भरे हैं। तो जब वो आपकी पार्टी के विधायक थे तब आपने अपने पार्टी फोरम पे नहीं बात उठाई, इसलिए तुम्हारी पार्टी के लोग जिम्मेदारान उनसे नाराज थे, नाराजगी चल रही। अच्छा, यही वजह थी उनके बगावत करने की, यही मेन वजह। मेरा सवाल है कि मेन वजह यही, क्या वजह रही कि मेन वजह यही, उनके विधायक आपकी पार्टी के थे उन्होंने बगावत कर दी पार्टी, पार्टी के रूल के मुताबिक पार्टी क्रियाकलापों के मुताबिक वो कार्य नहीं कर रहे थे, बिल्कुल विपरीत दिशा में थे। अच्छा हम सब एक चीज़ होगी, आप जब प्रतापपुर में जाएंगे चुनाव लड़ने तो आपके अपने क्या मुद्दे होंगे? हमारा मुद्दा सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ के जो जैसे कि ये गलत सप्लाई का मामला है, ये खाद्य पदार्थों का उसके मामले को वहाँ बहुत डिस्टर्ब है, वो उसको हम दुरुस्त करेंगे, सड़कों को वहाँ दुरुस्त कराएंगे, और जो नई जनरेशन है क्योंकि मैं देखिए उस एजुकेशन से भी जुटे हुए आदमी हैं, एजुकेशन के तहत अभी कल ही मैंने कहा कि कोई भी कार्य करिए आप, तो खेल रहे हैं मान लीजिए तो हम खेल में मतलब उनको सुविधा मुहैया कराएंगे, क्योंकि ये भी अब आप देख रहे हैं कि संसाधन हो गया है, खेल भी संसाधन हो गया जीवन यापन का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस क्षेत्र में लोग हमको चाहेंगे हर क्षेत्र में उनके साथ सहयोग बनाए रखूंगा हर तरीके से। आपको नहीं लगता कि एक विधायक ऐसा क्यों होता है? आप तो चेयरमैन भी रहे हैं, सदन चलाया है आपने छोटा सा, आप हंडिया में देख लीजिए, हंडिया में कहीं भी किसी वर्ग में आप चले जाइए, मेरे बारे में पूछे लोग सीधा बताएंगे चेयरमैन साहब तो किसी की चाय भी नहीं पीते थे, हंडिया तो वर्क करते थे, हंडिया तो पहले से ही विकसित। तो ये चीज यहाँ का, यहाँ हमने सर्वे किया था तो उसमें ये भी आया था कि राकेश धर ने बहुत काम करवाया था, तो बहरहाल मैं पूरे गाँव की पूरे विधानसभा क्षेत्र का सर्वे हुआ था। राकेश धर अगर अच्छा कार्य कराया तो चुनाव क्यों हारते? आपकी पार्टी से भी विधायक भी रहे हैं, जब हमारे पार्टनर तो बगावत करके भाग गए थे, अगर अच्छे रहते तो कहने चुनाव जीतते, नहीं जीते चुनाव, नहीं चुनाव क्योंकि उनका जानते क्या उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, उनका समाज ही उनका बायकॉट करता। आप ऑनलाइन बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, ठीक सही कह रहा हूँ मैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सत्य मैं कह रहा हूँ। राकेश जी का व्यवहार नहीं सही, व्यवहार ठीक रहे बसपा फिर अगर उनको टिकट दे देगी तो इसके बारे में बहन जी क्या सोचते हैं हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, बहन जी का निर्देश होगा मैं सपोर्ट करूंगा, सीधी मतलब वही ना, बाहर से सपोर्ट करेंगे अंदर से नहीं, नहीं बहन जी अगर कहेंगे तो मैं हर तरीके सपोर्ट करूंगा, जिसको प्रत्याशी बना देंगे से, क्योंकि अगर हम वहाँ लड़ेंगे तो फर्क यहाँ पड़ेगा। चलिए मैं, आपने अच्छा संदेशा दिया है बहुजन समाज पार्टी को कि अगर हम प्रतापपुर से लड़ेंगे तो हरिया भी आप जीतने के करीब जीतेगी, हरिया भी जी। आगे हम ये जानना चाह रहे थे कि प्रतापपुर का बसपा के लिए क्या समीकरण है आखिर, जो है वहाँ अगर हम देखें सामाजिक समीकरण के हिसाब से हम समीकरण तो समाजवादी पार्टी का समीकरण बहुत जो है करीब दिख रहा है। देखिए मेरे चुनाव लड़ने पर वहाँ पे जैसे यादव और क्या कहते हैं मुस्लिम ये बराबरी के करीब हैं, मतलब 1000-2000 अलग फर्क में है, दो जनसंख्या है, इतनी जनसंख्या है, मेरे लड़ने पे माइनॉरिटी टोटल उनको छोड़ देगी, बिल्कुल नहीं जाएगी उनके साथ। मुस्तफा सिद्दीकी को जैसे दिया, मुस्तफा सिद्दीकी से कोई फर्क नहीं, हमारी खुद की पर्सनालिटी है, हमारी तहसील है, हमारे यहाँ वर्क को सब जानते हैं, अगली बार भी जानते थे हमारे वहाँ पे। अगर सपा जो है सपा मुस्तफा सिद्दीकी को ही वहाँ से उतार दे तब कैसे जो है आपका? मुस्तफा सिद्दीकी की यह स्थिति है कि अगर सपा वहां से उतारे तो बुरी तरीके हारेंगे, क्योंकि वहां के लोग संतुष्ट नहीं है तो उनसे, फिर कोलिए मुकाबला होगा, फिर अपना दल तब डायरेक्ट बीजेपी से अपना दल मौका मिल जाएगा। हाँ बीजेपी से मुकाबला होगा, आज भी बीजेपी से मुकाबला होगा, यादव उनसे कहाँ होगा, बीजेपी है अपना दल, हो तो अपना दल, वो तो कंबाइंड है दोनों ना। हाँ लेकिन प्रत्याशी तो अपना दल का होता है, तो लेकिन अगर समझौता है तो चलेगा ही ना दोनों। अच्छा चलिए आप हम साहब ये बताइए कि वर्तमान सरकार की कानून व्यवस्था से आप कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल असंतुष्ट हैं, कोई कानून व्यवस्था, सरकार तो कहती है अपराधियों में डर है, अपराधी भागे हुए हैं, कोई डर नहीं, अगर डर होता तो सरेआम मर्डर ना हो जाता, डर होता सरेआम क्या कहते हैं हत्याएं ना हो जाती, रेप ना हो जाता, इनको तो कंट्रोल करना चाहिए उस चीज को, हर चीज पे कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा आप एक बात, 2022 में
अहमद अंसारी साहब क्या बदलाव देख रहे हैं? कैसा बदलाव? राजनीतिक बदलाव 2022 में चुनाव है, कोई बदलाव देख रहे हैं कि यही रिपीट हो जाए? बदलाव तो ना बहन जी सरकार में नहीं है, सीधी सी बात है। हमारे साथ बायकॉट भी जुट रहा है, हमारे साथ माइनॉरिटी भी जुट रहा है। अच्छा एक बात बताइए नेताजी, सपा का बहुजन समाज पार्टी से एक गठबंधन लोकसभा में था, ये हो रहा था कि सारी सीटें जीत जाएंगे, 70 सीट जीत जाएंगे, 75 सीट जीत जाएंगे, अब वो गठबंधन बुरी तरह फेल हो गया। आज कोई गठबंधन नहीं है, सपा जो है छोटी दलों से कह रही है लेकिन अभी किया नहीं, अलग लड़ेगी, बसपा अलग लड़ेगी, तो कैसे आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी सरकार बन जाएगी? देखिए आप बताएं, समझौता तो हुआ था लेकिन यादव ने वोट नहीं किया, सब बीजेपी में चले गए, ज्यादा तादाद में बीजेपी में चले गए। अगर लोग ये तो सपा वाले भी कहते हैं बसपा वोटर बिक गया। नहीं नहीं वो झूठ बोल रहे हैं, बसपा का वोटर तो आप खुद जाके देख लीजिए, अगर बहन जी एक निर्देश हो जाए कि कुएं में गिरना है तो कुएं में कूद जाएंगे। अच्छा उसके वोटर। अच्छा आपको क्या लगता है कि गठबंधन की राजनीति फेल हो चुकी है या गठबंधन करना चाहिए? अब बहन जी जो फैसला ले इसलिए वो बेहतर समझती है, यहाँ के सामाजिक समीकरण बारे में वो जितना अच्छा समझती हैं, हम तो समझते कोई नहीं समझता। वो जो दिशा निर्देश दे देंगे हम लोग उस पर वर्क कर देंगे, उसमें क्या है। अच्छा नेताजी एक चीज़ और बताइए, आपको क्या लगता है कि चुनाव में धन बल कितना जो है मायने रखता है? धन बल क्या मायने रखेगा, संपर्क मायने रखेगा। अब तो धन बल के बल पर बीजेपी वाले सरकार बनाते हैं, गिराते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन उचित नहीं हो पाएगा इस बार। हाँ फर्क आएगा जी। अच्छा क्या ऐसा समाज में बदल गया है, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे 2022 में? समाज धार्मिक मुद्दों से अब ऊब चुकी है, उसके पास रोजी रोटी के संसाधन नहीं, बिजनेसमैन डिस्टर्ब है, यहाँ तक कि जो बिजनेसमैन उनको वोट करता था बीजेपी वो डिस्टर्ब है, इनके जीएसटी प्रणाली से लोग परेशान हैं, इनके कहते हैं वो जो बिजनेस में वो होना चाहिए पब्लिक पास जो संसाधन जाने चाहिए वो नहीं पहुँच पा रहे हैं, ये सब परेशानी खड़ी हो गई है, इतने लोग बहुत। अच्छा एक चीज़ और बताइए, आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस हैं कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी? हाँ बनेगी। ये जो इसका सिमटता हुआ वोट चला जा रहा है, चाहे वो 2000 इनको जो है 2007 में पूर्ण बहुमत की रही हो, फिर 2012 में नहीं मिला हो, फिर 2014 लोकसभा में जीरो रहा हो, फिर 2017 में इनको सीटें 19 खाली मिली, फिर 2019 के लोकसभा में जो है ये सपा से गठबंधन करने के बाद ही कुछ हुआ, जो ये वोट सिमटता जा रहा है बहुजन समाज पार्टी का, बहुत से नेता छोड़ चुके हैं, इसकी क्या वजह आप मानते हैं? बहुजन का वो देखिए उसका जो बेस वोट है वो नहीं फिसला है आज भी। नहीं आप कहना क्या चाहते हैं, बहुजन का वो बेस वोट मान लिया 17% है, 17% वोट पाके कोई चुनाव जीत सकता है या सरकार बना सकता है? 22% माइनॉरिटी जाएगी उनके साथ, ये कैसे कह रहे हैं? बहन जी समीकरण तैयार करेंगी, माइनॉरिटी जाएगी उनके साथ, वो समीकरण तैयार करेंगे और 22% अगर माइनॉरिटी चले जाएगी तो 22-17 और प्लस जो बायकॉट नाराज हुआ वो भी तो आएगा हमारे साथ, जो पहले मान लीजिए कि धर्म के उन्माद में फिसल गया था तो आएगा, लौटेगा ना, अब तो सब धर्म की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती, चाहे देश में देखिए चाहे विदेश में। बहुत आपको क्या लगता है 2022 में बहुजन समाज पार्टी किस मुद्दों के साथ मैदान में जाएगी? विकास के मुद्दे पर जाएगी। और बीजेपी तो कहती है इन्होंने विकास किया है, किसने क्या विकास दिखता है? कहीं कहीं विकास ही नहीं दिख रहा है, कोई विकास नहीं, हर आदमी संतुष्ट है, परेशान है, सिर्फ एक डर समाया हुआ है सबके अंदर। हाँ, इसको हम पूछने वाले थे, आपको क्या लगता है कि आज समाज भयभीत है? भयभीत है, बिल्कुल समाज भयभीत है, डरता है। आज आप जान ले किसी कार्यालय चले कहीं चले दहशत का माहौल है। किस तरह का दहशत है? कहीं मेरे साथ कोई कार्रवाई ना हो जाए, ये पब्लिक परेशान है। वो जाता है जो काम करने के लिए आसानी से काम बहन जी सरकार में हो जाया करता था, इस सरकार में तो बगैर धन के कोई कार्य नहीं है। अच्छा एक चीज और बताइए नेताजी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आक्रामक प्रचार करती है, जिस तरीके से भावनात्मक मुद्दे लेकर आती है, आपको नहीं लगता कि ध्रुवीकरण होने की वजह से अल्पसंख्यक समाज खास तौर से अपने को कमजोर महसूस कर रहा है? देखिए ध्रुवीकरण की राजनीति मैंने अभी बताई ना, धर्म के नाम पर इन्हें 2-3 चुनाव लड़ा और धर्म के नाम पे बहुत इन्होंने मोड़ लिया, लेकिन अब पब्लिक को अब की बात भी मुद्दे रहेंगे, ये कहेंगे कि हमने मंदिर बनवा दिया, ये कहेंगे कि हमने 370 खत्म कर दिया, ये मुद्दे तो अब बताएं 370 से यहाँ क्या था, हम उत्तर प्रदेश लोगों का फायदा लेना देना कुछ नहीं, लेकिन राजनीति प्रभावित हो जाती है। नहीं वो तो उन्होंने बहका लिया था, उसके नाम पे बहका लिया था, बस ये किया था, ये मुद्दा तो आज ही उठाएंगे, उनको नहीं चलेगा, पब्लिक अब उब रही है, बहुत हो गया, क्योंकि धर्म मजहब के नाम पर राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती। अच्छा आपको क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी की टक्कर प्रतापपुर विधानसभा से किससे होगी, सपा से होगी या अपना दल से होगी? चुनाव वहाँ पे चुनाव जब होगा 2000 होगी तो हमारे साथ होगी, तो वही अपना दल से होगी, लेकिन दूरी ज्यादा रहेगी, ये तो तीसरे में जाएगी सपा।
अच्छा सपा तीसरे पर जाएगी? तीसरे पर जाएगी। आप दोनों अगर मैं लड़ रहा हूँ तो सपा तीसरे पर, हाँ ये तो उम्मीद किया जाए ना। हाँ। कि सपा वाले परेशान है कि यार अहमद अंसारी कैसे लड़ रही चुनाव, मुश्तबा वगैरह अगर लड़ते तो तब तो गड़बड़ था मामला, या अदरवाइज और कोई मुस्लिम वहाँ लड़ता है तो गड़बड़ रहेगा मामला। तो आपको क्या लगता है कि मुश्तबा चुनाव नहीं लड़ेंगे अभी से, कैसे कह सकते हैं? मुश्तबा मुझसे को मुश्तबा जो है लोगों से कहते हैं कि अगर चेयरमैन साहब चुनाव लड़ते तो हम वहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो चेयरमैन साहब बसपा में, हाँ मुश्तबा सिद्दीकी आज जो है सपा में जा सकते हैं और किसी भी पार्टी में नहीं है। ऐसी कंडीशन में अगर अखिलेश यादव कह ही दें या जिस पार्टी में वो जाएं उनका कह दें कि आपका अपने क्षेत्र से चुनाव लड़िए तो दिक्कत नहीं होगी, तब आप रोल बैक कर जाएंगे क्या? नहीं मैं नहीं बैक करूँ, मुश्तबा खुद कहते हैं अगर चेयरमैन साहब चुनाव लड़ रहे तब चुनाव है जीत नहीं पाएंगे, हम हार जाएंगे चुनाव। चलिए अहमद साहब एक चीज़ और बताइए, अगर आप विधायक बनते हैं आपको जनता प्रतापपुर की चुनती है तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे पार्टी के लिए अपने? अरे नहीं जनता के लिए, पार्टी के लिए तो आप कर ही रहे हैं। आप नेता नहीं है तब, आप विधायक नहीं है, जनता के लिए मैंने आपसे बताया ना, जनता के लिए जितने संसाधन उनकी जरूरत के होते हैं उसकी जितनी हमारी पावर होगी उस पावर को पूरा उनको आसान करने के लिए हम उसमें लगा देंगे पूरी चीज, ताकत लगा देंगे पूरी। अच्छा एक चीज हमें, और अगर हमारी सरकार बन जाती है तब तो बहन जी का अगर आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो हम वहाँ पे ऐसा कार्य कर देंगे कि वहाँ बीएसपी अगर मैं चुनाव 10 बार लड़ूंगा तो 10 बार जीतूंगा। मेरे बारे में लोग जहाँ कहते हैं किसी वर्ग में चले जाइए, मुझको कहते हैं किसी वर्ग में जाइए मुझसे दूरी क्यों ना हो। एक विधायक की एक क्षमता होती है, उसको एक बढ़िया एक मतलब वो मिलता है, विधायक निधि मिलता है, उससे ज़्यादा पैसा कहाँ से ला सकता है विधायक? भाई बहन जी की सरकार होगी तो हो सकता है बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, आशीर्वाद अगर प्राप्त हो गया हमें तो बहुत संसाधन मुहैया हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा कार्य किया जाएगा। और जहाँ जहाँ एक चीज़ और, एक लास्ट मेरा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन ये होगा कि कौन सा ऐसा एक ऐसा कानून बनना चाहिए, विधायकों को बनाना चाहिए जिससे प्रदेश की जनता का सर्वाधिक लाभ हो? अब ये कानून के बारे में तो कानून के लोग बताएं, उसमें क्या बता सकता हूँ, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? विधायक ही कानून बनाते हैं। आप नेताजी प्रतापपुर की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? हम संदेश ये देना चाहिए, अभी तक बहुत बहकावे में वो रहे, अब बहकावे में ना हमें, अब मुझको एक बार मौका दें, हमारी पार्टी को एक बार मौका दें, अगर मैं विधायक बन जाता हूँ उनके कार्यों को मैं पूरा करूँगा जी। जी और एक बात और आपको बता दूँ जी, बीएसपी में माइनॉरिटी को जोड़ने के लिए बहन जी का जो दिशा निर्देश होगा, क्योंकि हम अंसारी बिरादरी हमारे यहाँ हम अंसारी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं और माइनॉरिटी में हमारी बहुत अच्छी पकड़ी है, पूरा जनपद जानता है। लेकिन से बसपा को संदेश है कि अगर माइनॉरिटी जोड़ना तो हमको टिकट, हाँ नहीं अगर टिकट तो एक अलग चीज है, वो तो बहन जी का दिशा निर्देश है, वो देंगे तो लड़ूंगा। बहन जी अगर ये कहती है कि प्रदेश स्तर में माइनॉरिटी को जोड़िए तो मैं अंसारियों के चौधरी भी हूँ, हमारे यहाँ पंचायतें हुआ करती हैं बिरादरी की जिसमें शादी ब्याह के मामले हम लोग अपने आपस में निपटाते हैं। पार्टी को अहमद अंसारी साहब को ऊपर बढ़ाना चाहिए, हाँ, आगे हाँ, अगर वो कहते हैं कि आप मतलब जोड़ो तो जो दिशा निर्देश देंगे मैं उसको करूँगा। चलिए अहमद साहब आप हमारे टॉक शो में भाग लिए और बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा हरिया के पूर्व चेयरमैन अहमद अंसारी साहब हमारे साथ थे, आप प्रतापपुर विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आपका कहना है कि उस क्षेत्र में इनके व्यक्तिगत प्रभाव और व्यक्तिगत लगाव ऐसे हैं कि जो इनको चुनाव में विजय दिलाएगी। अगर बहुजन समाज पार्टी इनको टिकट देती है तो प्रतापपुर की जनता के लिए ऐसे ऐतिहासिक काम करना चाहते हैं कि ताकि इनको बार बार जनता वहाँ की चुने। आगे भी हम आपको ऐसे ही जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करवाते रहेंगे, देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।